इन साथियों, मैं आज आपके सामने समुद्र तटीय सीमा के बारे में बताने वाला हूँ। कुल कितनी होती है, भारत सरकार क्या क्या करती है उस सीमाओं में, और कितनी कितनी किलोमीटर में है, मील में है, नॉटिकल मील में है। तो अब उसके बारे में बताऊंगा, जो भारत सरकार उसमें क्या व्यापार करती है, कहाँ पे प्रशिक्षण करती है, कहाँ परमाणु प्रशिक्षण करती है, ऐसे कहाँ का सीमा शुल्क लगाती है, तो उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पढ़ा चुका हूँ, स्थलीय सीमा, जलीय सीमाएं, भौगोलिक, जैसे चार पांच टॉपिक हो चुका है। तो देखिए आगे आज आगे आप स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भारत सरकार एक एक लाइन बनाई हुई है जिसको जीरा माना गया है, क्योंकि तट आगे पीछे है तो एक सीमा निर्धारित की गई है, तो उसको जीरो से बारह बारह नॉटिकल मील, नॉटिकल मील जिसको, फिर यहाँ से 12 से 24 नॉटिकल मील, 12 से 24 नॉटिकल मील, फिर 24 से 200 नॉटिकल मील। ये तीन क्षेत्र में बांटा गया है, इन तीन क्षेत्रों का नाम बताता हूँ मैं। पहला है पारदेशिक, पारदेशिक सीमा, दूसरा है संलग्न, संलग्न क्षेत्र, तीसरा है अनन्य, अनन्य आर्थिक, आर्थिक क्षेत्र। अब देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो पारदेशिक सीमाएं, इसमें भारत सरकार का संपूर्ण अधिकार होता है, इसमें भारत स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकता है, भारत सरकार स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकता है। कौन से पारदेशिक सीमा में, बंदरगाह स्थापित कर सकता है, बंदरगाह स्थापित कर सकता है, मछली पालन कर सकता है, मछली पालन जैसे अन्य गतिविधियां यहाँ पे स्वतंत्र रूप से कर सकता है। अब देखते हैं संलग्न क्षेत्र में, संलग्न क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ पे भारत सरकार सीमा शुल्क लगाता है। कैसा क्या लगता है, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क लगाता है। फिर राजकोषीय, राजकोषीय और पर्यावरणीय, पर्यावरणीय संबंधित या और प्रदूषण, प्रदूषण संबंधित, प्रदूषण नियंत्रण संबंधित, संबंधित कानून बना सकते हैं। इसमें ऐसा रहता है कि एक सीमा शुल्क लगाने के साथ साथ कोई दूसरा, कोई अन्य देश, कोई यहाँ पे कुछ क्रियाएं करता है, तो एक पर्यावरण को देखते हुए वहाँ पे एक एरिया डिसाइड करते हैं कि यहाँ से इतना प्रदूषण किया जा सकता है, तो उसके प्रति वो भारत सरकार कानून बनाता है। अब अन्य आर्थिक क्षेत्र ये होता है, इसमें ये की गतिविधियाँ नहीं की जाती है, यहाँ पे ये गतिविधियाँ होती है, जैसे कि परमाणु प्रशिक्षण करना हो भारत सरकार को, मिसाइल प्रशिक्षण करना हो, या फिर अन्य तरह की प्रशिक्षण करना हो, जैसे खनिज उत्पादन करना हो, तो सभी क्रियाएं क्या होती है, अन्य आर्थिक करते हैं। रेडी, तो देखिए इसमें क्या क्या करते हैं, परमाणु प्रशिक्षण, परमाणु परीक्षण, परमाणु प्रशिक्षण, फिर मिसाइल प्रशिक्षण, परीक्षण, खनिज, खनिज उत्खनन, उत्खनन, खनिज उत्खनन और अन्य तकनीकी की प्रशिक्षण कर सकता है, परीक्षण, परीक्षण करता है। देखिए इसमें ऐसा रहता है, मिसाइल प्रशिक्षण का मतलब
एक अपना यहाँ पे दीप रहता है हमेशा, डीएनए रहता है, ओ सॉरी डीआरडीओ रहता है, एक संस्था है, तो वो हमेशा परमाणु प्रशोधन या फिर मिसाइल प्रशोधन करती है। तो एक कलाम द्वीप है उड़ीसा में, वहां से हमेशा अभी अभी जो करंट में अग्नि 5 का मिसाइल प्रशिक्षण किया गया, तो इसी ही क्षेत्र में किया गया, कौन से अनन्य आर्थिक क्षेत्र में, और खनिज उत्खनन करना रहता है, तो एक इसमें एरिया डिसाइड किया जाता है, तो एक संस्था है उसके लिए बनी हुई है, उस संस्था का नाम है अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण। इसकी अनुमति के आधार पे ही यहां से उस मात्रा में खनिज निकाला जा सकता है। इस संस्था का स्थापना 16 नवंबर 1994 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कभी कभी पूछता है इसकी स्थापना या हेडक्वार्टर, तो जमैका में। तो देखिए साथी, सीमाएं जिसमें भारत सरकार स्वतंत्र रूप से व्यापार करता है, बंदरगाह स्थापित करता है, मछलियां पालन करता है, अन्य गतिविधियां भी कर सकता है। फिर देखते हैं संलग्न क्षेत्र में क्या होता है। संलग्न क्षेत्र में भारत सरकार सीमा शुल्क लगाता है, कोई अन्य देश यहाँ से कभी नाव वगैरह कुछ जहाज वगैरह कुछ गुजारना चाहता है तो उस पर भारत सरकार सीमा शुल्क लगा देता है कि यहाँ से जाने के लिए ये इस प्रकार का टैक्स लगेगा। राजकोषीय पर्यावरण और प्रदूषण संबंधित कानून बनाता है भारत सरकार। फिर अन्य आर्थिक क्षेत्र में से मिसाइल प्रशिक्षण करना हो, परमाणु प्रशिक्षण करना हो, खनिज उत्खनन करना हो और अन्य तकनीक प्रशिक्षण करना हो, तो ये है कौन से अन्य आर्थिक क्षेत्र में किया जाता है। और खनिज उत्खनन के लिए एक क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है, तो एक संगठन है अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण, उसके तहत यहाँ से उत्खनन किया जाता है। तो देखिए साथियों, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, साथियों कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे बताइए मुझे कि कैसा और टॉपिक लगा, ठीक है। और ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन किंगस्टन जमैका में है ना, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण का, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।